हेलो डियर स्टूडेंट्स सो इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस क्लियर हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किस तरीके से किसी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं मतलब जो हमें एक रिलेशन गिवन है कि क्या वो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली सही रिलेशन है या नहीं है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं Clear? तो कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे उसको चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं so, मान लीजिए हमारे पास दो रिलेशन है हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट जो हमें इक्वेशन गिवन है ये सही है या गलत है ये हमने बताना है क्लियर यहां पर देखिए v क्या है v भी एक वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी है वी. v v इज अ फाइनल वेलोसिटी एंड u इज आल्सो विलोस्टी लेकिन ये है इनिशियल वेलोसिटी a है एक्सेलरेशन t है टाइम और s है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्लियर हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन सही है या नहीं और ये रिलेशन भी सही है या नहीं ये हमें प्रूव करना है देखिए जरा हम कैसे इसको प्रूव करते हैं अभी सपोज कीजिए देखिए जो हमारे पास विलोस्टी है velocity का डायमेंशनल फॉर्मूला नोट कीजिए क्या है एम जीरो एल वन टी माइनस वन दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर विलोस्टी एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर u का भी u भी एक वेलोसिटी है तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम एम जीरो माइनस वन क्लियर और ऐसे ही एक्सलेशन अब एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा एम जीरो एल वन टी माइनस टू क्लियर और टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे एम जीरो है एल जीरो और टी की वैल्यू वन क्योंकि टाइम ही है तो टाइम में टाइम एक ही बार रिपीट होगा बस क्लियर तो अब देखिए जरा हमारे पास रिलेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वी का डायमेंशनल फॉर्मूला m जीरो एल वन टी माइनस वन लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट right साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच करना चाहिए अब u का डायमेंशनल फॉर्मूला m जीरो एल वन टी माइनस वन अब देखिए जो ये है दोनों ये तो सेम है अब ए और टी की वैल्यू भी पुट करनी है प्लस ए का एक्सलेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम पुट करते हैं एम जीरो माइनस टू मल्टीप्लाइड इसकी ए की टी के साथ करनी है तो टी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा तो यहां पे वैल्यू हम पुट करेंगे एम जीरोल जीरो तो अब देखिए जरा राइट साइड में एम जीरो एल सॉरी वन टी माइनस वन प्लस अभी यहां भी एम की पावर जीरो यहां भी जीरो तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा एल की पावर वन है यहां एल की पावर जीरो है वन प्लस जीरो पावर एड होगी तो वन t की पावर माइनस टू और t की पावर प्लस वन दोनों को ऐड करेंगे तो t की पावर माइनस वन बचेगा अब देखिए लेफ्ट साइड में एम जीरो तो और राइट साइड दोनों साइड जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा मैच कर जाता है यहां पर क्लियर है तो यानी कि ये जो रिलेशन है हमारा ये रिलेशन को क्लियर है और ऐसे ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं सपोज वी स्क्वे माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू एस इस रिलेशन को भी हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं देखिए जरा v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t वन माइनस वन इसका स्क्वेयर है तो हम यहां पर भी क्या करेंगे स्क्वेयर कर देंगे माइनस U का डायमेंशनल फॉर्मूला एम जीरो एल वन टी माइनस वन इसका भी स्क्वेयर है U का तो इसका भी हम स्क्र कर हैं क्योंकि दोनों velocity है, velocity का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया स्क्वेयर था दोनों का तो यहां भी स्क्वेयर किया लेफ्ट साइड राइट साइड में टू तो एक कॉन्स्टेंट नंबर है कॉन्स्टेंट नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता तो इसको इग्नोर कर दो एक्सलेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था एम जीरो एल वन टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का मास तो जीरो एल वन और टी जीरो क्लियर है अभी देखिए आप ये क्या आएगा सोल्व करके एम जीरो है पावर में टू करेंगे तब भी जीरो ही रहेगा एल की पावर वन है टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू आ जाएगा टी की पावर माइनस वन है टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हो जाएगा माइनस जीरो की टू से मल्टीप्लाई जीरो वन की टू से मल्टीप्लाई टू माइनस वन की टू से मल्टीप्लाई सॉरी यहां भी माइनस का टू माइनस का टू माइनस वन टू से मल्टीप्लाई होके माइनस टू अब राइट साइड में जीरो और ये भी जीरो दोनों पावर एम जीरो एम जीरो तो दोनों की पावर ऐड होके जीरो ही आएगा एल की पावर वन एल की पावर वन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू यहां टी की पावर जीरो दोनों को ऐड करेंगे तो टी की पावर माइनस टू बचेगा देखिए एम जीरोल टू टी माइनस टू एम जीरो माइनस टू एम जीरो राइट साइड देर इज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला सो डायमेंशनली दिस रिलेशन इज ऑल्सो कोरेक्ट क्लियर अगर दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला मैच ना हो तो ये रिलेशन हमारा गलत हो जाता तो चलिए अब देखते हैं हम हमें कैसे इसको नोट no डाउन करना है क्लियर तो देखिए यहां पर चेकिंग द कोरेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सेम फंडामेंटल क्वान्टिटीज का सेम डॉर्मूला होना चाहिए देखिए अब हमें एक रिलेशन गिवन है एफ एस इक्वल टू हाफ एमय स्क्र माइनस हाफ एमयू स्क्वेयर इज दिस रिलेशन कोरेक्ट और नॉट वी है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा डिसप्लेसमेंट में एम तो जीरो था टाइम भी जीरो था तो एल का एल एल लिख दिया मास को लिख दिया मतलब यहां पर मैंने क्या किया सिंपली जैसे मास के अंदर केवल आएगा ना एल तो जीरो, हो जाएगा, टी भी जीरो तो उनको लिखा नहीं है डायरेक्ट ऐसे शो कर दिया में मास जीरो होता था, तो मैंने डायरेक्ट मास को लिखा ही नहीं एल टी माइनस वन ऐसे लिख दिया वन बाय टू एक कॉन्स्टेंट नंबर है इसका कोई डायमेंशन नहीं होती तो फॉर्मूला तो हमारे पास देखिए ये था एफ एस इक्वल टू दिस वन एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला एस का ये लिख दिया एम का डायमेंशनल फॉर्मूला वी का डायमेंशनल फॉर्मूला इसका स्क्वेयर था यहां भी स्क्वेयर किया सेम टू सेम इसके लिए अब देखिए जब एल की पावर यहां वन है यहां भी वन है तो वन प्लस वन एल की पावर टू हो गई ये एज इट इज ये एज इट इज अब m की पावर यहां वन है एल की पावर यहां देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर टू हो जाएगी, टी की पावर माइनस टू हो जाएगी, ऐसे ही इस साइड. तो देखिए म 1 एल 2 टी माइनस टू, म 1 एल 2 टी माइनस टू. यानी कि लेफ्ट और राइट साइड डामेंशन्स जो हैं, दे आर इक्वल. सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज डामेंशनली रिलेशन Clear? So, we can find out the correctness of the given physical relation by using this formula. Okay? So, see you in the next application of the dimensional analysis. Till then, have a nice day.